हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, करौंदा और हरी मिर्च का अचार, जो मैं अभी आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स, आज बनाने वाली हूँ मैं करौंदा और हरी मिर्च का अचार। तो ये हरी मिर्च है, लंबे पीस के हिसाब से मैंने काट लिया है। एक मिर्च से दो टुकड़े कर लिए हैं और ये है करौंदा, इनको भी एक में से दो करूंगी। अभी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो हरी मिर्च मैंने कट करके रख ली है, ये देखिए करौंदा मैं ऐसे कट कर रही हूँ और करौंदा का और हरी मिर्च का अचार जो पड़ता है, कच्चे करौंदे ही लें क्योंकि पक जाते हैं तो उसमें मीठापन आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, करौंदा मैंने कट कर लिए हैं ऐसे, देखिए पास से इस तरीके से। एक करौंदा कर दो पीस करो, एक करौंदा लेके उनके दो पीस कर दो, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। और फ्रेंड्स, अगर आप अचार में आमचूर डालते हैं तो करौंदा और हरी मिर्च के अचार में नहीं डालें, क्योंकि ये वैसे ही खट्टा होता है करौंदा। तो मैं अब ये हरी मिर्च और ये करौंदा मिक्स कर लेती हूँ। और इसको चाकू की सहायता से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप ग्लव्स पहन के करें तो वैसे मतलब अच्छा है, मैं हाथ बहुत कम लगाऊंगी इसमें क्योंकि ग्लव्स नहीं पहने मैंने, तीखी होती है ये वाली मिर्च। अब इसमें पहले तो मैं सरसों का तेल लगाऊंगी ऐसे पहले, ताकि मसाला इसमें लग जाए, मतलब मिक्स हो जाए। डालूंगी इसमें मसाले, तो हरी मिर्च वो सॉरी लाल मिर्च तो डालनी नहीं है, नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप अपना नमक खाते हैं कम या ज्यादा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डालना है, अच्छे से डाल दो हल्दी पाउडर। और इसमें है सौंफ और धनिया मिक्स, ड्राई धनिया ड्राई सौंफ मिक्स करके मैंने इसको पीस लिया है। और सबसे जरूरी चीज है हींग, इसे जरूर डालना है। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता है, बस मसाले तैयार करो और इसको जार में भर के रख दो। अब इसमें 1/4 चम्मच ये मेथी है पिसी हुई, मेथी पाउडर, और 1 चम्मच ये कलौंजी दाना है, इसमें डाल देती हूँ। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अचार हो गया है तैयार। अब मैं जार में भरूंगी इसे, मसाले मिला लिए हैं, मिक्स हो गए हैं सारे अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैं कच्चे तेल में ही डालती हूँ, मस्टर्ड ऑयल है ये सरसों का कच्ची घानी, तो कच्चे तेल में ही डालती हूँ क्योंकि ये लंबे समय तक हम रख सकते हैं। अगर हम पका के तेल को अगर अचार डाल रहे हैं तो उसकी एक डेट रहती है, एक्सपायरी डेट, तब तक चलेगा। तो अगर कच्चे में डालते हैं तो लॉन्ग टाइम तक ये खराब नहीं होगा अचार, इसलिए मैं कच्चे में ही डालती हूँ, हमेशा कच्चा तेल यूज करती हूँ अचार डालने के लिए। आप देख लो, आप जैसे डालते हो वैसे डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे डालती हूँ। आप अगर ऐसे एक बार ट्राई जरूर करें, लंबे समय तक आपका अचार खराब नहीं होगा। अब मैं इसे जार में भर देती हूँ। एक बार जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को।
बस जाल को अच्छे से धो के साबुन से और उसे सुखा जरूर लें, गीला नहीं होना चाहिए। जब वो सूखा हो जाए और धो के सुखाने उसके बाद उसमें जाल भर दें। अचार जार में भर दिया है, देखिए अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ क्योंकि तेल डालना बहुत जरूरी है। अभी इतना ही डालूंगी, ये यहां तक आ गया है, धीरे धीरे ऊपर तक आ जाएगा, अगर कम रहेगा तो मैं और डाल दूंगी बाद में, देखना है मुझे कितना होता है ये। बस तेल में इस अचार को डुबाना है, जो भी अचार तेल का पड़ता है उसमें अचार कितना अचार के ऊपर होना चाहिए कि अचार डूब जाए, तब वो अचार लंबी समय तक चल जाएगा, तेल ऊपर होना चाहिए। अब इसको दो तीन दिन तक मुझे हिलाते रहना है और बहुत जल्द तैयार हो जाएगा खाने के लिए। देखिए और हरी मिर्च का अचार पड़ गया है, देखिए आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट जरूर करें और रेसिपी को ट्राई जरूर करना। थैंक यू।